हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। फ्रेंड्स, बाय डबलिन बिल्कुल लेटेस्ट फूडीज 550 एंड फूडी 350। जी हाँ, ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है बाय डबलिन। देखने में काफ़ी सुंदर है, इसलिए आज मैं इसे अनबॉक्स और इसकी रिव्यू करने वाला हूँ। काफ़ी लेटेस्ट प्रोडक्ट है, डबलिन के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रिव्यू और अनबॉक्स कर चुका हूँ। काफ़ी ट्रस्टेड और काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट बनाता है और काफ़ी अच्छा ये ब्रांड भी है अपने आप में। इसकी जो फिनिशिंग है, जो इसकी क्वालिटी है वो दर्शाता है, और जो कलर कॉम्बिनेशन डबलिन प्रोवाइड कराता है वो भी बहुत अट्रैक्टिव और वो भी बहुत सुंदर देता है। इस तरीके से ये बिल्कुल लेटेस्ट दो साइज के अंदर है, जिसमें एक जो छोटे वाला है वो फूडी 350 है, और एक्चुअल कैपेसिटी जो उसमें आने वाली है वो भी 350 ml आ जाने वाली है, और जो बड़ा है फूडी 550 उसके अंदर भी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 550 ml आ जाने वाला है। अब इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, बाय डबलिन वाइड माउथ के अंदर है, ताकि जो भी आप इसमें कंटेंट डाल रहे हैं आप इजीली डाल सके और इजीली उसे निकाल सके। सही बताऊं तो ये फूड कंटेनर में परफेक्ट है। जी हाँ, जैसे आप बच्चों के लिए सेरेलैक बनाते हैं, या बच्चों का फूड हो या बड़ों का भी फूड हो, जैसे कर्ड हो गया या गरम छोले हो गए या एक्स वाई जेड दाल है, कुछ भी है आप इसमें डालिए, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो जैसे आप डालेंगे वैसे ही रहने वाली है। चाहे आप गरम के लिए यूज करें चाहे ठंडे के लिए यूज करें, दोनों ही उसमें फॉर्म में ये परफेक्ट जार है। और जो छोटे वाला है वो भी काफी क्यूट है, कॉम्पैक्ट है, बट यूज काफी आने वाला है। जो कंपनी ने इसमें स्टील यूज किया हुआ है, थर्मो स्टील यूज किया हुआ है, वो SS304 ग्रेड का है, जो कि अपने आप में ही काफी काबिले तारीफ है। और इसके बारे में जो एक मेजर एडवांटेज है वो मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल लिड होते हैं वो प्लास्टिक का होता है, अंदर से भी बाहर से भी, या बाहर से स्टील होता है अंदर से प्लास्टिक होता है। बट इसमें कंपनी ने क्या ध्यान रखा है, जो भी जैसे गरम हम डाल रहे हैं, सपोज भाप बन रही है गरम है, तो भी स्टील में ही टच हो, प्लास्टिक टच ना हो। तो ये जो अंदर से जो लिड आप देख पा रहे होंगे ये भी स्टील का है और बाहर से भी स्टील का है, जो कि कंपनी ने बहुत गहराई से काम किया है, बहुत गहराई से सोचा है और काफी अच्छा ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नीचे से अगर मैं बात करूं तो एंटी स्किड के लिए कंपनी ने एक रबर लगाया सिलिकॉन का, ताकि वो फिसले ना इधर उधर, और जब आप रख रहे हैं तो उस पर डेंट ना आए। ये चीज छोटी छोटी चीजें होती है जिसका कंपनी ध्यान रखती है, तो बहुत अच्छा लगता है और वो कंपनी काफी अच्छे से राइज भी करती है। दो जार है इस तरीके से, अब जो बॉक्स पे मेंशनड है अब मैं आपको वो बताता हूँ। 1 year की इसमें वारंटी है, जो कि हॉट एंड कोल्ड की होती है। अगर डेंट आता है, गिरती है, चिप आता है, तो वो आउट ऑफ वारंटी हो जाती है, फिर उसकी वारंटी में वो क्लेम नहीं होता है, वारंटी में काउंट नहीं होता है। तो मेक श्योर जब भी आप इसे यूज कर रहे हैं सेफली तरीके से यूज करें, उसमें डेंट ना आए इस तरीके से यूज करें। एंड ट्राई टू अवॉइड कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स नहीं डालनी है और इसमें दूध नहीं डालना है, बिकॉज अगर हम मिल्क डालते हैं मिल्क फट जाता है, मिल्क सही नहीं रहता है। आप पानी के लिए यूज करिए, चाय के लिए यूज करिए, कॉफी के लिए, ग्रीन टी के लिए, उन सब चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपको मैंने इसमें ml बताया, अब मैं अगर प्राइसिंग की बात करूं तो जो छोटे वाला है वो 899 MRP के अंदर है, और जो बड़े वाला है उसकी 999 MRP है, जिसमें कि आप काफी अच्छा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप वहां से इसे परचेज करें। और इसमें क्या लिखा हुआ है, 18x8 क्वालिटी स्टेनलेस स्टील यूज किया हुआ है इनसाइड द कंटेनर, और आइडियल फॉर कैरिंग एनी टाइप ऑफ वार्म फूड, कीप फूड वार्म एंड फ्रेश फॉर लॉन्ग आवर्स, एंड आप उसमें ठंडे में भी यूज कर सकते हैं। फिल द फूड कंटेनर कंप्लीटली टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ फूड। जी हाँ, जब भी आप इसमें गर्म कुछ डाल रहे हैं तो मेक श्योर वो ऊपर तक भरा हो, बिकॉज अगर आप हाफ भरेंगे भाप बनेगी, भाप वाला पानी उसमें मिलने से जल्दी ठंडा कर देता है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए उसे ऊपर तक भर के रखें और प्री टेम्परेचर मेंटेन भी कर लें। जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में टैप से पानी ठंडा आता है, आपने ठंडे पानी से धोया गर्म गर्म डाल दिया तो उसमें मजा नहीं आएगा। आप इसे पहले गर्म पानी से खंगा लीजिए, फिर गर्म कंटेंट डालिए, ताकि उसकी जो ड्यूरेशन है गर्म रखने की वो और ज्यादा बढ़ जाए, सेम ठंडे के साथ है। और इसमें कंपनी ने मेंशन किया है, डू नॉट यूज स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट। जी हाँ, जब भी आप इसे साफ कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट यूज नहीं करना है, नॉर्मल जो विम लिक्विड जेल आता है, सॉफ्ट डिटर्जेंट होते हैं, उनसे आप इसे यूज करिए, क्लीन करिए, और इसकी लाइफ बढ़िया रहेगी। और ऑडोर फ्री ये प्रोडक्ट है, बाय डबलिन काफी अच्छा प्रोडक्ट है, लेटेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप परचेज करना चाहें डिस्क्रिप्शन ओपन करके वहां से परचेज करिए और लुफ्त उठाइए हैवी डिस्काउंट का। एंड अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई नई वीडियोज आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। एंड अगर इसके अलावा आप किसी और चीज की रिव्यूइंग या अनबॉक्सिंग चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट या मेल करके जरूर बताइए, ताकि वो भी मैं आप लोगों के लिए कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Oh, 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 oh,